हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 19th अगस्त 2020 की वर्कशीट नंबर 20 और टॉपिक है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो लास्ट क्लास में हमने लीनियर पेयर्स के बारे में जाना था, आज हम कुछ और एंगल्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ आ जाते हैं जो हमें ये फिगर दी हुई है, फिगर 1। यहाँ पर हमारे पास दो लाइन्स हैं, टू लाइन्स आर गिवन विच आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ। ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और उसकी वजह से हमें कितने एंगल्स मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4। ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब हम यहाँ ध्यान से देखें कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं पॉइंट पर और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन एंगल्स को हम बेटा बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और क्योंकि ये दो हैं, मींस पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और इनकी प्रॉपर्टी होती है दे आर इक्वल टू ईच अदर, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 दे आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट, कि इनके जो वर्टेक्स हैं वो तो जॉइंट हैं, वो तो कॉमन है, लेकिन एंगल्स जो हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल ए मींस एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है क्योंकि हम क्वेश्चंस में इन्हें यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं हम हमारी फिगर 2 पे। यहाँ पे भी हमें दो लाइंस दी हुई हैं, टू लाइंस एम एंड एन, दीज आर गिवन, और एक लाइन है विच इज़ इंटरसेक्टिंग देम एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। अब यहाँ हमें क्या मिल रहा है, एक एंगल ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी यहाँ हम 8 एंगल्स देख पा रहे हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है यहाँ पर ये जो दो लाइंस हैं, यानी लाइन एम एंड लाइन एन जो है, ये हमारे जो पेज है या हमारा जो प्लेन है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक तो एक्सटीरियर पोर्शन है, यानी इन लाइंस से बाहर है ना, ये है एक्सटीरियर पोर्शन। सिमिलरली ये भी एक्सटीरियर पोर्शन है कि लाइन से बाहर है, और ये जो लाइंस के अंदर का एरिया है ये हमारा इंटीरियर पोर्शन है। कौन सा है, इंटीरियर। उसी के बेस पे हम एंगल्स को भी डिवाइड करेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 3, 4, 5, 6, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स बिकॉज दे आर इनसाइड द टू लाइंस, और ये एंगल 1, 2, 7, 8 जो हैं दे आर आउटसाइड द लाइंस। तो इस तरह से हम इन एंगल्स को डिवाइड करते हैं। अब आती है बारी, अगर ये लाइंस जो अभी हमने देखी हैं ये पैरेलल हों, पैरेलल मतलब पैरेलल लाइंस तो हम जानते हैं ना, जो एक दूसरे को कट नहीं करती, सेम डिस्टेंस पे चलती हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये दो लाइंस लाइन एम एंड लाइन एन, ये हमें पैरेलल दी हुई है, ये एम है और ये एन है। अगेन वी आर गेटिंग 8 एंगल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम यहाँ पर इनकी पोजीशन के हिसाब से एंगल्स को डिवाइड करेंगे। जैसे अब हम एंगल 1 को अगर हम देखें, तो एंगल 1 जैसी पोजीशन पे और कौन सा एंगल है जो लाइन के ऊपर हो और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर हो। तो ये एंगल 1 और लेफ्ट हैंड साइड पर, एंगल 5 जो है वो लाइन के ऊपर भी है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी है। तो दीज टाइप्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, यानी जो सेम पोजिशन पर हों। एंड इनकी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर इक्वल टू ईच अदर, अगर लाइन पैरेलल हैं तो। तो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 1 इज एंगल 5 और दे आर इक्वल टू ईच अदर। सिमिलरली अगर हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 3 देखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी ये जो लाइन के नीचे है एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, तो लाइन के नीचे ये एंगल है और राइट साइड पर भी है, और ये है हमारा एंगल 7।
तो यहाँ आ गया हमारा एंगल 7 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। अब एंगल 2 के लिए आप बताइए, एंगल 2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 2 यानी ट्रांसवर्सल लाइन के राइट हैंड साइड पर और लाइन के ऊपर कौन है यहाँ पर सेम पोजिशन पे, ये है हमारा एंगल 6। तो ये हो गया 6 के इक्वल। सिमिलरली 4 ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर और नीचे, तो इस पोजीशन पे हमारे कौन बैठा हुआ है, एंगल 8 है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। अब आते हैं हम दूसरे टाइप के एंगल पे जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट यानी एक को छोड़कर दूसरा एंगल। तो यहाँ भी हम एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रही हूँ कि ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। सिर्फ एक्सटीरियर एंगल्स ले रहे हैं, इंटीरियर हम इस समय नहीं ले रहे। अब अगर हम एंगल 1 को चूज़ करते हैं तो अल्टरनेट यानी एंगल 2 को हम छोड़ दें तो नेक्स्ट कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल 7। सिमिलरली अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें यानी एंगल 1 हमने चूज़ किया तो एंगल 8 को छोड़ा तो भी हमें एंगल 7 मिल रहा है। तो बेटा ये जो एंगल्स हैं एक्सटीरियर एंगल्स में, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, दे आर इक्वल टू ईच अदर। सिमिलरली अब हमने 2 को चूज़ किया तो हम 1 को छोड़ेंगे तो हमें कौन मिलेगा, 8। अब हम क्लॉकवाइज चलें, 2 को चूज़ किया 7 को छोड़ा तो भी हमें 8 मिला, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं हमारे इंटीरियर एंगल्स की, यानी फिर हमने एक ड्रॉ की पैरेलल लाइंस और अब हम एंगल्स ले रहे हैं यानी एंगल 3, 4, 5 एंड 6। अब हम यहाँ पर सिर्फ 3 को चूज़ करें तो 4 छोड़ा 5 मिला, और अब हम क्लॉकवाइज चलें, 3 को चूज़ किया 6 को छोड़ा तो भी हमें 5 मिला। अल्टरनेट यानी एक एंगल छोड़कर दूसरा, तो एंगल जो 3 है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के। सिमिलरली जब हम 4 को चूज़ करेंगे तो 3 को छोड़ा 6 मिल गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो अगेन 5 को छोड़ा तो भी हमें 6 मिल गया, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। तो दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देख रहे हो एंगल 1 इस डायरेक्शन में है तो एंगल 7 यहाँ है, एंगल 2 इधर है तो एंगल 8 अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड पर है। सिमिलरली 3, 5 तो ये इसलिए कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स या अल्टरनेट एक्सटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें याद रखनी है, ये अपने नाम से ही क्लियर कर देते हैं किस टाइप के एंगल्स हैं। अब देखते हैं हमारी प्रैक्टिस के लिए कौन से क्वेश्चंस मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ए बी और सी डी जो हैं ये हैं पैरेलल, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। ये एंगल हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, ये है एक्स और ये है हमारा वाई, और यहाँ हमें दिया हुआ है 130 डिग्री। अब सीधे सीधे अगर हम यहाँ देखें तो ये दोनों के दोनों वर्टेक्स जो हैं टच कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो किस टाइप के एंगल हो गए ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और यहाँ पर हम रीज़न दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, रीज़न देना ज़रूरी है कि हमने क्यों इक्वल किया। अब ध्यान से देखें तो एंगल एक्स और एंगल वाई जो है ये अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। तो x की वैल्यू भी कितनी हो गई, 130 डिग्री। और वैसे भी देखें तो 50 और x मिलके तो लीनियर पेयर बन रहा है, तो 50 में कितना ऐड करें कि 180 मिल जाए, क्योंकि लीनियर पेयर का सम तो 180 होता है, तो अगेन वी विल गेट द सेम आंसर 130 डिग्री। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ इन फिगर 5, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड
वाई। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन हमें पैरेलल दी हुई है, ये है हमारा एक्स और ये रहा 50 डिग्री। अब मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ तो ये ट्रांसवर्सल लाइन बन गई। तो एक्स और 50 डिग्री में क्या रिलेशन आ गया, कैसे एंगल्स हैं ये, अभी हमने किया था अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री, और रीज़न क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये हो गया इसका रीज़न। अब हम सेम थिंग करते हैं, अगेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड दिस पी आर इज द ट्रांसवर्सल। तो अब ये जो पूरा एंगल है ये इस पूरे एंगल के इक्वल होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, और ये पूरा एंगल तो 50 और वाई को मिला के बन रहा है। इट मीन्स 50 डिग्री प्लस वाई जो है इट इज़ इक्वल टू 127 डिग्री, रीज़न सेम है अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से हम इक्वेशन बन गई, वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, 50 माइनस करना है तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर 77 डिग्री, है ना, हो गया इजीली। तो हमने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकाल ली। तो इस ढंग से हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।